वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है कि जो मेरे वीर अते भैणा कहिंदे आ कि सानू अमृत वेले जागता आ जांदी आ पर अमृत वेले उठ के पाठ करन नू मन नहीं करदा, बाणी पढ़न नू मन नहीं करदा। तां अपनी अज दी वीडियो दे विच आपां इसे विषय उत्ते गल करांगे अते कुछ जुगतियां दसांगे जिस नाल तुहाडा अमृत वेले उठन नू भी दिल करेगा अते उठ के पाठ करन नू भी दिल करेगा। तां इस करके अपनी सारी वीडियो नू पूरा अंत तक ध्यान दे नाल जरूर सुनना अते समझना। तां देखो जी आपां इह गल हर रोज करदे आ, हरेक वीडियो दे विच कहिंदे आ कि अमृत वेला साडे लई बहुत जरूरी आ। अमृत वेले दा उठना जां फिर किसी होर नू अमृत वेले उठाउणा इह साडे लई बहुत फायदेमंद आ, बहुत लाहेवंद आ, साडी जिंदगी दे पता नहीं किन्ने दुख दूर करदा है अमृत वेला। जिथे सानू अमृत वेले उठण दा फल मिलदा है उत्थे किसी टुट्टे होए नू अमृत वेले दे नाल जोड़न दा फल उस तो भी किते दुगना चुगना मिलदा है। जोड़ना उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी ने आ, पर अपनी कीती हुई कोशिश साडे किन्ने कार्ज सवार सकदी आ इह आपां सोच नहीं सकदे। इस करके आपां आप तां अमृत वेले उठना ही आ, नाल ही नाल इह कोशिश करनी आ कि होर भी वध तों वध संगत अमृत वेले दे नाल जुड़ सके। अमृत वेले दे फायदे, अमृत वेले दी बरकत, अमृत वेले दी वडियाई ए गल करदे रहा करो। इस नाल तुहाडा अपना कोई नुकसान नहीं होवेगा, इस नाल जे होवेगा ओ सिर्फ फायदा है तुहाडा भी अते जिस नूं तुसी गल दसोगे उस दा भी फायदा है। तां इत्थे ए गल भी याद रखियो कि कई वार कोशिश करदिआं होइआं भाव कि किसे नूं अमृत वेले नाल जोड़दिआं होइआं सानू सामने वाले दा गुस्से दा सामना भी करना पै सकदा है, सानू कोई कुछ बुरा भला भी कह सकदा है, पर उत्थे गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, बस अपने वालों कोशिश करनी है, अमृत वेले नाल जोड़न दा यतन करना है, बाकी उस मालिक दे हाथ विच आ, उन्हां ने कृपा करनी है जां नहीं। अते इत्थे मैं इह वी गल क्लीयर कर देवां कि उठाउण दा मतलब इह नहीं कि अमृत वेले उठ के तुसीं अपने घर परिवार दे विच ही कलेश पा लो कि किसे सुत्ते हुए दे तो रजाई खिच दो, किसे दे ते पानी पा दो, इस तरह नहीं उठाउणा। सिर्फ अमृत वेले दी वडियाई करनी आ, अमृत वेले दी सिफत सलाह करके उसनू अमृत वेले दे फायदे दसने आ, एक गल उसदे मन विच बिठाउणी आ कि अमृत वेले उठण दे किन्ने लाभ ने, अमृत वेला सानू की दे सकदा है। बस इन्ना दसना है कि अमृत वेले उठ्या होया इंसान किसे काम तो नहीं खुंझदा। जे साडा कोई भी वड्डे तो वड्डा अड़िया काम होवे, कोई अरदास पूरी नहीं हुंदी, साडी कोई इच्छा पूरी नहीं हुंदी, तां अमृत वेले उठ के कीती हुई अरदास हमेशा पूरी हो जांदी आ, कदे बिरथी नहीं जांदी। इस तरीके दे नाल अमृत वेले दी वडियाई करनी है। तां इह तां सी गल कि आपां खुद अमृत वेले उठना है अते दूसरिआं नूं किस तरह अमृत वेले दे नाल जोड़ना है। हुण आपां गल करदे आ जो मेरे वीर अते भैणां कहिंदे ने कि असीं अमृत वेले उठ जांदे आ पर उठ के बाणी पढ़न नूं मन नहीं करदा, पाठ करन नूं दिल नहीं करदा। तां देखो जी अमृत वेले उठण दा तां ही लाभ आ जे आपां अमृत वेले उठ के उस मालक दी याद विच बैठांगे, उस मालक नूं याद करांगे। तां जो मेरे वीर अते भैणां कहिंदे ने कि अमृत वेले उठ के साडा बाणी पढ़न नूं दिल नहीं करदा, तां ओह किसे भी तरीके दे नाल उस मालक नूं याद कर सकदे ने। चाहे तुसीं सिर्फ चौंकड़ा मार के गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां दा ध्यान धर के बैठ जाओ, चाहे तुसीं वाहिगुरु जी दा जाप कर लो, चाहे तुसीं मूल मंत्र जाप कर लो, जे इन्हां विच्चों कुछ भी नहीं कर सकदे तां मालक दा शुकराना करना शुरू कर दो। जदों आपां शुकराना करना शुरू कर तो फिर देखना एक तो तुहाडा आलस तुहाडे तो दूर भजेगा अते दूसरा तुहाडा मन वाहिगुरु जी दे चरणां दे नेड़े हुंदा जावेगा। ए अमृत वेले उठ के मालक दा शुकराना करना ए सब तो वड्डी जुगती आ अमृत वेले नाल जुड़न दी, नाम नाल जुड़न दी, क्योंकि जदों आपां शुकराना करदे आ ना
फिर ही सानू पता लगता है कि साडा सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा दाता देने वाला किन्ना ताकतवर आ, जिसकी रजा तो बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो यह वडियाई सानू मालक के चरणा के नेड़े लैके जाती है। इस करके पहली जुगती यह आ कि जे तुसी बाणी नहीं पढ़ते तो वाहेगुरु जी का जाप करो, मूल मंत्र का जाप करो, चाहे तुसी गुरु नानक पातशाह जी के चरणा का ध्यान करके बैठो। दूसरी जुगती यह आ कि जेकर तुसी उपरले कम्मां विचों कुछ भी नहीं कर सकते, बाणी भी नहीं पढ़ सकते, मूल मंत्र जाप भी नहीं कर सकते, वाहेगुरु जी का सिमरन भी नहीं कर सकते, तो फिर इकली इकली चीज का शुकराना करना शुरू कर दो। जो इकली इकली चीज नूं याद करोगे तो तुहाडा आलस सुस्ती दूर भज जाएगी। तीसरा काम करना है गुरु नानक पातशाह जी के गुरु रामदास जी के चरणों में बेनती करनी है कि पातशाह मेरा नितनेम मेरी किसी गलती दे कारण छुट गया है, पातशाह तुसी कृपा कर सकते हो, तुसी कृपा करो, ये अमृत वेले दी दात, अमृत वेले उठ के नाम जपन दी दात मेरी झोली विच पा दो, क्योंकि ये कृपा मेरे चौथे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी कर सकते ने। किसी भी कारण करके जिन्हां दा अमृत वेला छुट गया है ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗ ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੋਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਨੌਕਰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸੋਗੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।